अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन रोल्स की एक बेस्ट और इजी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने इसके लिए चिकन ब्रेस्ट्स लिए हैं, मैं इसका कीमा बनाऊंगी। जो चिकन का कीमा मैं बना रही हूँ वो मैं ओखली में कर रही हूँ, जिसे हम कश्मीरी में नेम कहते हैं। ये मैं रोल्स बना रही हूँ, तो अगर आप चाहो तो आप इसके लिए ग्राइंडर में भी इसका कीमा बना सकते हो। देख लीजिए इसका कीमा कितना बढ़िया बन गया है। तो चलिए अब हम इसके लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ लिए मैंने 2 कप आटा, व्हीट फ्लोर, थोड़ा सा नमक डालूंगी उसमें, थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा, और मैं डालूंगी इसमें तेल। अब पहले आप इन्हें अच्छे से मिक्स करें। ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब मैं इसमें पानी डाल के इसका डो बनाऊंगी। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए साइड में रखूंगी कवर करके। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैंने लिए हैं टमाटर, पुदीना, मिर्च, प्याज और धनिया। सारी चीजें काट के रेडी हो गई, तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने इंडक्शन पे कढ़ाई ली है, इसमें मैं तेल डालूंगी। आप उतना तेल लीजिएगा जिससे आपकी जो ये सब्जियां हैं और कीमा किया हुआ चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाला क्योंकि तेल गर्म था तो ये जल सकते थे। अब जो मैंने कीमा किया हुआ चिकन रखा था उसमें डालूंगी मैं 1 बॉल। अब मैं ऐड करूंगी इसमें कुछ मसाले। तो मैंने डाला इसमें जीरा, काली मिर्च, सौंफ, तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डालने वाली हूँ। मैंने कुछ बादाम लिए हैं, कैशूज लिए हैं और नारियल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी हल्दी, इसमें डालूंगी कश्मीरी मिर्च 2 चम्मच। ये घर के ही है और ये तीखे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बोल दिया है कि ये तीखे नहीं होते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें 1 कप पानी। अब मैं इसे 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाऊंगी। तो देख लीजिए हमारे चिकन रोल्स की जो स्टफिंग है वो तैयार हो गई। इसकी स्मेल भी बहुत बढ़िया आ रही है। तो चलिए अब हम रोल्स के लिए रोटी बनाते हैं। तो जो मैंने डो साइड में रखा था, आप देख लीजिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। ये स्टेप्स पूरे देख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सको कि मैंने ये रोल्स कैसे बनाए हैं। मैं इसके लिए जो रोटियां वो हाथ से ही बना रही हूँ। अगर आपको हाथ से बनाना नहीं आता हो तो आप चकला बेलन जो है वो यूज कर सकते हो। देख लीजिए रोल्स के लिए रोटी तैयार हो गई। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग आप चाहे कम करो या ज़्यादा करो, आपके पसंद पे डिपेंड करता है। मुझे ज़्यादा स्टफिंग पसंद है तो इसमें ज़्यादा ही डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो स्टफिंग है, चिकन की जो स्टफिंग है, ये हमने ऑलरेडी पका के रखी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ज़्यादा स्टफिंग हो गई तो सेंटर में पक जाएगी या नहीं पक जाएगी। तो इसलिए आप चाहो तो ज़्यादा स्टफिंग कर सकते हो, कम चाहो तो कम स्टफिंग कर सकते हो। अब मैं इसका रोल बना रही हूँ। तो रोल्स बनाने के लिए मैंने जो इसके जो बॉर्डर हैं, रोटी के जो एजेस हैं, उन पे मैंने पहले पानी अप्लाई किया है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। देख लीजिए हो गया हमारा रोल तैयार। ऐसे ही आप लोग कीजिएगा और जो बाकी है उनका भी हम ऐसे ही रोल बनाएंगे। ये देखिए। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे।
को देख लें आप। इसी के साथ हमारे चिकन रोल्स तैयार हो गए। तो जो बाकी बचे हुए रोल्स हैं हम उन्हें भी ऐसे ही फ्राई करेंगे। हो गई हमारे चिकन रोल्स रेडी। मैं इसे सर्व कर रही हूँ टमेटो सॉस के साथ। ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि आपके चिकन रोल्स कैसे बने। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, एंड ऑल्सो कमेंट कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं, एवरीथिंग। और अपनी सजेशंस भी दिया कीजिए और मेरी वीडियोज़ को भी शेयर करें। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।